ओम शांति। राजयोगा के नियमित अभ्यास से आत्मा में अष्ट शक्तियां री इमर्ज होती हैं। आज हम इन्हीं अष्ट शक्तियों को समझेंगे। ये अष्ट शक्तियां हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में राइट रिस्पॉन्सेस को हमें चूज करने में मदद करती हैं। आत्मा की सबसे पहली शक्ति है पावर टू विथड्रॉ। जैसे एक टॉर्टोइज या कछुआ जैसे ही कोई डेंजर को एक्सपीरियंस करता है तो वो क्या करता है, वो अपने सारी कर्मेंद्रियों को जो है विड्रॉ कर लेता है। उसी तरह से मैं आत्मा भी आज के इस एनवायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा हलचल है, वहां पर क्या मन बुद्धि से ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हम बाहर से विड्रॉ करके कुछ समय स्वयं में उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये है पावर टू विथड्रॉ, जहां हम अपने मन बुद्धि को बाहर से विथड्रॉ करके कुछ समय स्वयं के साथ बिताते हैं। आत्मा की दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, मीनिंग समेटने की शक्ति। मैं आत्मा जब इस ह्यूमन जर्नी पर हूं तो कहते हैं ट्रैवल लाइट। हम जहां भी ट्रैवल करें हम बहुत ज्यादा सामान लेकर नहीं लेकिन लाइट ट्रैवल करें। उसी तरह से पास्ट की सभी बातों को पैकअप करके लेट गो करना, ये है पावर टू पैकअप। ये भी हमें मेडिटेशन में डीप एक्सपीरियंसेस के लिए मदद करती है, क्योंकि पास्ट की बातों को हमने फुल स्टॉप लगाया और स्वयं को इस मोमेंट में पूरी तरह से एकाग्र किया। आत्मा की तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति या पावर टू टॉलरेट। कई बार हमें लगता है कि सहन करना मीनिंग कोई दर्द को अनुभव करना या डिस्कम्फर्ट में रहना कि मैं ही इतना सहन करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम किसी एक माँ को देखते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सहन करती है लेकिन कभी उस सहन करने की फीलिंग से डिस्कम्फर्ट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि माँ का बच्चे से स्नेह है। उसी तरह से जहां भी रिश्तों में स्नेह है वहां टॉलरेट करना या सहन करना ये तो बहुत नेचुरल हो जाता है। तो इस तरह से आत्मा की तीसरी शक्ति पावर टू टॉलरेट या पावर टू सहन करने की ये जो शक्ति है, ये हम औरों के संस्कारों को, औरों के व्यवहार को कहीं ना कहीं लेट गो करना और उनको सहन करना वहां यूज करते हैं। आत्मा की अगली शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति, मीनिंग हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके व्यूज को, उनकी ओपिनियन को, उनकी राय को हम समा लें अपने में। जैसे सागर जो है, सागर अनेक नदियों को स्वयं में समा लेता है, उसी तरह से क्या मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके व्यूज, उनके राय को भी एडजस्ट और अकोमोडेट कर सकती हूँ। ये है पावर टू एडजस्ट। आत्मा की पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति या पावर टू डिसर्न, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। कोई भी कार्य करते समय क्या अप्रोप्रिएट है, क्या सही है, ये समझ को हम पावर टू डिसर्न कहते हैं, परखने की शक्ति। साथ ही में आत्मा की छठी शक्ति है पावर टू डिसाइड या निर्णय करने की शक्ति। जब आत्मा ने परख लिया कि क्या अप्रोप्रिएट है तो वो डिसीशन मेकिंग को हम पावर टू डिसाइड कहेंगे, जो आत्मा की बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है जो हमें हर कार्य में सफलता के लिए मदद करती है। आत्मा की सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति या पावर टू फेस। लाइफ की कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे कहीं हम अपनों को खो देते हैं या कोई अपनी ऐसी लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है, तो आत्मा में राजयोग वो शक्ति भरता है कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आत्मा की आठवीं शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। जैसे कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी का सहयोग, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, वो जरूरी है, तो राजयोग आत्मा में वो पावर टू कोऑपरेट भरता है, जिससे हम हर कार्य को बहुत एफिशिएंटली टीम वर्क के साथ पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा की ये अष्ट शक्तियों को राजयोग इमर्ज करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि राजयोग ये समझ भी हमें देता है कि कौन सी शक्ति को कहाँ यूज करना है।
कई बार हम अपनों के साथ पावर टू विड्रॉ यूज कर देते हैं या फिर सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं, जबकि अपनों के साथ तो हमें पावर टू एडजस्ट या पावर टू टॉलरेट को यूज करना है। और कहीं ना कहीं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम यहाँ वहां का सोचने लगते हैं, मीनिंग आत्मा में पावर टू विथड्रॉ जो हमें स्वयं के प्रति यूज करना है, पावर टू पैकअप जो हमें अपने संकल्पों के प्रति यूज करना है, वो कहीं ना कहीं हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो राजयोगा हमें ये शक्ति भी भरता है और ये समझ भी देता है कि कौन सी शक्ति को हमें कहाँ यूज करना है। स्वयं के प्रति हम पावर टू विथड्रॉ एंड पावर टू पैकअप को यूज करें, अपने लोगों के साथ, अपने आसपास जो और लोग हैं उनके साथ पावर टू टॉलरेट और पावर टू एडजस्ट या अकोमोडेट को हम यूज कर सकते हैं। कार्य में हम पावर टू डिसर्न और पावर टू डिसाइड को यूज करें ताकि हम उस कार्य में सफल हों, और सिचुएशंस में पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट को हमें यूज करना है। इस तरह से जब हम सही शक्ति को सही समय सही सिचुएशन में यूज कर पाते हैं तो वो शक्ति कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। तो चलिए अब हम इन अष्ट शक्तियों को स्वयं में इमर्ज करते हैं और परमात्मा की याद से उन शक्तियों को स्वयं में भरते हैं। शांति। महसूस करें मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, अ डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। मेरे सामने अति तेजोमय चमकता हुआ दिव्य सितारा, द सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा के दिव्य प्रकाश को महसूस करें। परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, उनसे शक्तियों की किरणों को महसूस करें। परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूँ। विस्तार में फैली हुई बुद्धि को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ माई अटेंशन फ्रॉम एवरीथिंग आउटसाइड, मन के संकल्पों को समेटकर मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, पावर टू पैकअप, औरों के साथ व्यवहार में आते सहन करने की शक्ति, आई एम पेशेंट, आई एम टॉलरेंट। सभी के संस्कारों के साथ एडजस्ट कर सर्व को साथ लेकर चलने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। सही को परखने की शक्ति और हर परिस्थिति प्रमाण सही निर्णय करने की शक्ति, कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरम रहकर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, हर परिस्थिति में सर्व को सहयोग देने की शक्ति। आत्मा की इन अष्ट शक्तियों को मैं आत्मा स्वयं में महसूस कर पा रही हूँ। परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा की ये अष्ट शक्तियाँ
इमर्ज होती जा रही है। मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हम इन अष्ट शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर स्वयं में भर सकते हैं। तो राजयोगा के इस वीडियो सीरीज में हमने स्वयं को जाना, स्वयं के ओरिजिनल गुणों को जाना और स्वयं से कनेक्ट किया। साथ ही अपनी इस ह्यूमन जर्नी को देखा जो एक साइक्लिक फॉर्म में चलती ही रहती है। हमने उस परमात्मा को भी समझा और अपने को परमात्मा शिव बाबा से कनेक्ट भी किया। जैसे हम एक्सरसाइज एक दिन या दो दिन नहीं करते लेकिन रेगुलरली करते हैं जिससे हम फिट रहें, उसी तरह से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी हर रोज करना बहुत जरूरी है। हम कुछ समय निकालकर हम बैठे और योग का अभ्यास तो जरूर करें, साथ ही चलते फिरते भी स्वयं को आत्मिक रूप में अनुभव करके आत्मा के इन गुणों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। सारे दिन में बीच बीच में कुछ समय निकालकर आप ट्रैफिक कंट्रोल, मन के संकल्पों की गति को कुछ समय जो है वो विड्रॉ और पैकअप करके उस शांति को, आत्मा के उस ओरिजिनल गुण को स्वयं में अनुभव करें। ये आप सारे दिन में हर घंटे में एक बार या कुछ समय आप डिसाइड करके बीच बीच में इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल भी जरूर हमें करना जरूरी है। तो इस तरह से हम सारे दिन में जब इन आत्मा के गुणों के आधार पर उस सोल अवेयरनेस में रहते हैं तो हमारे जीवन के अनुभव बहुत सकारात्मक हो जाते हैं और उतना ही इन गुणों और शक्तियों को हम स्वयं में री इमर्ज कर पाते हैं। साथ ही हमने राजयोगा का आधार, राजयोगा के सब्जेक्ट्स और राजयोगा की विधि को भी बहुत डीप में समझा। अब जरूरी है कि हमने जो भी सुना और जो भी समझा उसे ना सिर्फ एक दिन या चार दिन की प्रैक्टिस बनाए लेकिन एक लाइफस्टाइल बना दें। तो ये इस कोर्स के अंत नहीं लेकिन एक नए लाइफस्टाइल की शुरुआत है और आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ही आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत पॉजिटिव अनुभवों को स्वयं में क्रिएट करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।